शामली नगर में शनिवार को हुई चार घंटे की बरसात से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं नगर पालिका के सफाई कार्यों की पोल भी खोल दी गई। शामली जनपद में शनिवार को रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। जहां इस बारिश ने नगर पालिका के विकास कार्यों की पोल खोल दी तथा जगह जगह पर 2 से 4 फीट पानी सड़कों पर देखा गया। वहीं दुपहिया वाहनों में पानी भर जाने से काफी संख्या में वाहन पानी के अंदर फंस गए। शामली के मोहल्ला माजरा रोड, टंकी रोड, धीमानपुरा, नेहरू बाजार, गांधी चौक, आर्यपुरी आदि मोहल्लों में पानी भर गया। सीबी गुप्ता कॉलोनी में काफ़ी मकानों के पानी अंदर घुस गया। शहर के लोगों का कहना है कि काफ़ी समय से शहर के बीच से गुजर रहे मुख्य नाले की सफाई नहीं कराई गई, जिसकी वजह से पानी की निकासी न होने की वजह से ज़रा सी बारिश में पानी सड़कों पर भर गया। इतना ही नहीं, कुछ दुकानों के अंदर 1 फीट तक पानी भर गया, जहाँ पर दुकानदारों का कीमती सामान नष्ट हो गया। श्रावण मास में हुई इस बारिश ने एक और लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन नगर में व्यवस्था दुरुस्त न होने की वजह से नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े भी कर दिए हैं। क्या कहना है सीताराम शामली निवासी का, सुनिए क्या कहते हैं रोशन लाल शामली के निवासी। देखिए सीताराम, अच्छा सीताराम जी, जो ये कॉलोनी में पानी भरा, कितनी मिनट की बारिश में भरा, क्या घरों में पानी भर गया है? ये आधे घंटे की बारिश में घरों में पानी चला गया है और घर में जितने सामान है सबको नुकसान है। अच्छा, इसकी कहीं शिकायत नहीं करी? शिकायत कई बार नगर पालिका में करी इसकी, लेकिन कोई कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। अच्छा, और सभी आने जाने वाले सब परेशान है, सड़क में पूरा पानी भर जाता है। तो क्या नालों की सफाई नहीं होती, इसलिए होता है, किस लिए होता है पानी भर रहा है? नहीं, ये सीबी गुप्ता कॉलोनी की जो गली है वो नीची होने के कारण इस वजह से पानी भर है और नाला भी फुल हो जाता है आधे घंटे की बारिश में। आपका रोशन लाल। अच्छा रोशन जी, ये बताइए कि जो पानी भर रहा, क्या पूरा मामला है, कितनी देर की बारिश में भर गया? 15 मिनट की बारिश। अच्छा, कम से कम कितना पानी भरा हुआ है? दोड़े। तो कोई समस्या का निस्तारण नहीं होता क्या इसका? नहीं होता, नगर पालिका में भी शिकायत करी क्या? शिकायत कोई फायदा नहीं है।